जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। शॉर्ट कॉर्ट में इसको स्टैंडर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सिर्फ बीएससी पे स्टॉक आपको लिस्टेड देखने को मिलेगा। इसमें अभी गिरावट का दौर शुरू है, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि यदि प्राइस कम हो गया है तो आपको बाय करने का एक सही लेवल मिल सकता है। तो हम समझेंगे कि अभी इस स्टॉक में गुड अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में हम लोग बाय करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें जनरेट कर सके, या जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उन्हें लॉस हो रहा हो तो आपको क्या करना है। आपको इस लॉस से घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने अगर बाई किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई किया होगा, और लॉन्ग टर्म में आपके ये लॉस तो प्रॉफिट में तब्दील होगा ही, साथ में आपको मज़ा भी आने वाला है इस स्टॉक में जब मैं एनालिसिस करूंगा। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में हम लोग इस स्टॉक का, और ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि नए हो या पुराने हो आपको इस स्टॉक में करना क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर हम लोग इस स्टॉक का डिटेल्स ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड को जो आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि स्टॉक ईएसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी से बाहर है, कोई तनाव वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जब आप नीचे आएंगे तो सबसे कमाल का चीज़ आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस में देखने को मिलेगा कि हर साल ये स्टॉक लगभग आपको कुछ ना कुछ नया कॉर्पोरेट टैक्सेस करते हुए दिखता है, चाहे स्टॉक डिविडेंड दे दे या बोनस दे दे या ईजीएम जैसी, ये तो खैर मीटिंग होती ही रहती है, लेकिन जो मेन चीज़ है डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट, ये सारी चीज़ें स्टॉक में देखेंगे तो लगभग साल दर साल होती रहती है। तो मान लीजिए यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर के प्राइस के बढ़ने से तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा ही, साथ में जो कंपनी है ये कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्सेस करती है समय समय पर, इसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो एक छोटी सी कंपनी में शेयर के प्राइस बढ़ने से फायदा तो ये तो सभी स्टॉक्स में होता है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है ये सभी स्टॉक्स में नहीं होता है, लेकिन इस स्टॉक में हो रहा है। और खासकर जब पहले स्टॉक में कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है तो वो एक डबल खुशी देता है, क्योंकि सामान्यतः जिसके पास पैसा होता है बड़ी कंपनियां होती है वही कॉर्पोरेट टैक्सेस करती है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी भी कर रही है तो आपका एक प्रकार से बोनस टिप्स आपको बेनिफिट इस स्टॉक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप समझेंगे कोई भी स्टॉक जिसमें हम पैसा लगाते हैं कि वो जो भी काम कर रहा है क्या उस काम का फ्यूचर में डिमांड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, यानी कि एक एनबीएफसी कंपनी है, और एनबीएफसी कंपनियों का आप काम जानते हैं कि वो क्या करती है, मार्केट में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, और इजिली चूंकि यहाँ पे लोन्स मिल जाता है तो इनकी डिमांड इन दिनों काफ़ी बढ़ रही है, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, और फाइनेंस के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है उनको लेकर काफ़ी बुलिश रहता हूँ, क्योंकि इनका काम धाम इस प्रकार से है कि इसमें हमेशा इसकी डिमांड रहेगी, और जिस काम की हमेशा डिमांड रहेगी अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो फ्यूचर में उसके शेयर के प्राइस ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए काम बढ़िया है। अब बात करते हैं कि क्या इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन भी जो फंडामेंटल वो भी ठीक ठाक है कि नहीं। तो फंडामेंटल समझ लेते हैं, तकरीबन 300 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। ओवरऑल जो हम पेनिशन में सबसे पहला चीज देखते हैं मार्केट कैप, ये काफी बढ़िया है, क्योंकि सेफ जोन में कंपनी है, इसको इजिली कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी भी जबरदस्त है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा रिटर्न साल भर में मिल सकता है, और पिछले 3 सालों की बात करें तो स्टॉक ने तकरीबन 300% का रिटर्न जनरेट करके दिया भी है पिछले 3 सालों में। तो यदि आज के दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है तो उससे हमें घबराना नहीं है। अब नीचे जब चार्ट पर आप देखेंगे, एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का प्राइस अपने अभी एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखिए, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये जो 1.5 रुपये का लेवल है, 1.5 रुपये का लेवल इसलिए सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि पहले भी यहाँ पे स्टॉक ने समय बिताया है और समय बिता के ऊपर गया था, और अभी भी प्राइस उसी लेवल के आसपास देखेंगे, 1.5 रुपये के लेवल के आसपास समय बिता रहा है। इसको कहते हैं समय बिताना, कहीं ना कहीं स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए भी नजर आ रहा है 2 रुपये से लेकर 1.5 रुपये के बीच में। जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेट करने लगे तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि जितना लंबा ये कंसोलिडेशन होगा जब इससे ऊपर जाएगा प्राइस, क्योंकि सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है तो निश्चित ही प्राइस जब भी निकलेगा बाहर तो ऊपर ही जाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं, और ऊपर जाएगा तो जितना लंबा ये कंसोलिडेशन है जो समय बिताया है उतना ही बड़ी तेजी से स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो इसका हाई है यहाँ पे जो डबल टॉप बना था, ये तो सभी जानते हैं डबल टॉप बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है, तो प्राइस नीचे आया। अब जो लोग समझदार थे वो तो निकल गए, बाकी जो नहीं जानते थे वो फंसे हुए हैं तो आपको करना क्या है कि वेट करना है, प्राइस बहुत जल्द आपको 3.5 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखेगा, और 3.5 रुपये के लेवल को जब ब्रेक करेगा तो प्राइस इसके डबल, यानी कि ये जो 3.5 रुपये का लेवल है तकरीबन 7.5-8 रुपये तक, तो इजिली इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको बहुत कम समय में जाते हुए दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि यदि आप नया है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस लेवल पर, और इसके पास पहले से शेयर्स है वो भी होल्ड कीजिए,
₹150 के नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाके इस रेंज में अगर ट्रेड करना लगता है, तब आप क्या करेंगे कि अपना हाफ शेयर सेल कर देंगे यदि इस रेंज में ट्रेड करता है तो। बाकी यदि प्राइस ऊपर जाता है तब आप चाहें तो यहाँ पे और एवरेजिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल में बाई किए। नए और पुराने दोनों प्रकार के जो निवेशक हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि आपको करना क्या है। जो न्यू निवेशक हैं उनके लिए ये लेवल रहेगा, जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए नीचे जाता है तो हाफ शेयर सेल कर सकते हैं। प्रमोटर्स की मात्रा भी ठीक ठाक है, चूंकि प्रमोटर्स इस स्टॉक्स में है तो ये एक और एडिशनल हमारे लिए बोनस हो जाता है कि इस स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल बात ये है कि स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक्स है, चाहे फंडामेंटली देखें, काम के बेसिस पे देखें, टेक्निकल देखें, हर प्रकार से स्टॉक्स ठीक नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करके या बाई करके चला जा सकता है। चार्ट पर लेवल मैंने दे दिए हैं तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।